नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने नए प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जिसका नाम है दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे सब कुछ, लाइक प्रोजेक्ट डिटेल, वर्क प्रोग्रेस एंड लेटेस्ट अपडेट। इसलिए दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इस समय इंडिया में कई सारे एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिन्हें भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, और इनमें से आपको कईयों के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी होगी। परंतु दोस्तों हो सकता है कि आपने दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत कम सुना हो, इसलिए आपको बता दें कि 195 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो दिल्ली से गुड़गांव, हरियाणा और राजस्थान के चंदवाजी को जोड़ने वाला 8-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे फ्यूचर में ट्रैफिक लोड बढ़ने पर 16-लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। जबकि इस एक्सप्रेसवे को NH 352B के नाम से भी जाना जाता है। NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे 4 टाउनशिप हरियाणा में जबकि 5 टाउनशिप राजस्थान में बनाए जाएंगे। दोस्तों दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे को सबसे पहले 2012 में 3 स्पर के साथ 226.4 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित किया गया था, परंतु ज्यादा लागत आने के चलते अब इस एक्सप्रेसवे को मात्र 195 किलोमीटर लंबा और 8-लेन चौड़ा ही बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे NH 48 पर गुड़गांव में खिरकी धौला टोल प्लाजा के पास द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होगा और जयपुर के उत्तर में चंदवाजी के पास समाप्त होगा। अपनी टोटल 195 किलोमीटर की लंबाई में यह एक्सप्रेसवे 423 विलेजेस, 11 तहसील और 7 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, अलवर, जयपुर और सीकर से होकर गुजरेगा। NHAI के द्वारा बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे के लिए टोटल 4,340 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है, जबकि इसके सिविल वर्क में 6,350 करोड़ रुपए, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए 5,000 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए एनवायरमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। दोस्तों दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट की बात की जाए तो गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे पंचगांव में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा तथा IMT बाबल होते हुए राजस्थान में एंटर कर जाएगा। परंतु दोस्तों अगर आप अभी दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है। अगर प्रोजेक्ट की डेडलाइन की बात की जाए तो NHAI के द्वारा इसकी डेडलाइन 2025 तक की रखी गई है। वैसे तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को प्रेजेंट में 8-लेन चौड़ा बनाया जा रहा है, यानी 4-लेन ईच साइड, परंतु NHAI ने इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण 16-लेन के हिसाब से किया है, जिससे फ्यूचर में इसे एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की वर्क प्रोग्रेस एंड लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ में से 90-95% पर अर्थवर्क का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे हुए 5% भूमि पर अभी कुछ पेड़ों को रीप्लांट किया जाना बाकी है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के एक साइड में वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनकर तैयार हो चुका है और दूसरी साइड में इसका कार्य तेजी से किया जा रहा है। जबकि इस एक्सप्रेसवे पर कई जगहों जैसे गरही, हरसारू, हरियाणा में रोरी बजरी डालने का कार्य और ब्लैक टॉप का कार्य भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था अपडेट वीडियो दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे का। इस प्रोजेक्ट का वीडियो हमारे चैनल पर पहला है, परंतु अगर आप कहेंगे तो हम इसका अपडेट आगे भी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी चैनल इंफ्राटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।